राजनीतिक विजय ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय करता है सरकार किसकी बनेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भोपाल में ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथों में है, जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में ये सब तय करने का अधिकार दे दें? पूरे इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है, ना अधिकारी, ना कर्मचारी, इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और डालने वाला है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला, डालने वाला और सॉफ्टवेयर ही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। 140 करोड़ की जनता का मालिक न मतदाता है, न इलेक्शन कमीशन और न ही सरकारी कर्मचारी है, न ही रिटर्निंग अधिकारी है। इन सब का मालिक अब सॉफ्टवेयर निर्माता है। लाल कृष्ण आडवाणी भी संदेह जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2003 से लेकर 2012 तक ईवीएम चलती रही। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर कई नेताओं ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। मूल रूप है विश्वास, जनता को विश्वास होना चाहिए। इसके बाद वीवीपैट मशीन आई, उसमें दिखाने की प्रक्रिया थी कि वोट कहां डाल रहा है। मतदाता वीवीपैट में डाला जाने वाला सॉफ्टवेयर का सर्वर सेंट्रल इलेक्शन के सर्वर से जुड़ी होती है। इसका कंट्रोल यूनिट फ्री प्रोग्राम होती है। ईवीएम मशीन में जहाँ चिप डला हो वहाँ पर डला होने वाला सॉफ्टवेयर ही सर्वे सर्वा होता है। दिग्विजय ने कहा कि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तर्ज में वीवीपैट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाले जाते। इसी तरह यह वन टाइप प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टी लेवल प्रोग्रामेबल चिप, इसकी भी जानकारी नहीं है। आज विश्व में 5 देश ऐसे हैं जहाँ ईवीएम से वोट डाला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।